24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। उसके बाद 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक हमला किया। इसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में गाजा पर जमीनी हमला कर दिया, लेकिन इन दोनों युद्ध की वजह से पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई है, जिसमें एक तरफ ईरान यमन का हूती, लेबनान का हिजबुल्ला, हमास और इराक और सीरिया के प्रतिरोधी हैं और इन्हें रूस से सीधा समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरे खेमे में इसराइल के साथ अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश हैं। और ऐसा लगता है कि यूक्रेन युद्ध का बदला पूरा करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे अमेरिका को मिडिल ईस्ट से खदेड़ा जा सके। और अब इसी कड़ी में न्यूज एजेंसी मिडिल ईस्ट आई ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा किया है। न्यूज एजेंसी का कहना है कि पुतिन ईरान समर्थित हूती को एंटी शिप बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल सप्लाई करने पर विचार कर रहे हैं, जिससे लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर में हूती और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ईरान के साथ रूस की दोस्ती बढ़ने के बाद से ही रूसी लगातार हूती के साथ समन्वय बना रहा है। दरअसल पुतिन की कोशिश मिडिल ईस्ट में उन सभी पश्चिम विरोधी ताकतों को एक साथ लाना है जो अमेरिका के खिलाफ हैं, और 7 अक्टूबर 2023 को हमले के बाद से ही हूती लगातार लाल सागर में इसराइल और अमेरिकी और अन्य पश्चिमी जहाजों पर हमले कर रहा है। इन हमलों के बीच ऐसी खबरें भी आई थी कि लाल सागर में रूस से जुड़े जहाज पर भी हूती ने गलती से हमला कर दिया था। हालांकि इस हमले के बाद हूती ने रूस और चीन के जहाजों पर हमले नहीं करने का वादा किया था, और इसको लेकर हूती के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य अली अल काहोम ने कहा था, हूती रूस, चीन और ब्रिक्स देशों के बीच लगातार संबंधों को बनाने में सहयोग कर रहा है। यह अमेरिका और पश्चिम को लाल सागर के आसपास संकट में डुबोने के लिए जरूरी है ताकि वे फंस जाएं, कमजोर हो जाएं और यूनिपोलैरिटी ना बना पाए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हूती के पास पहले से ही रूस में बनी P-800 ऑनिक्स सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हैं जो उसने सीरिया और लेबनान के हिजबुल्ला से हासिल की हैं। हालांकि रूस की नोवोस्टी न्यूज एजेंसी ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हूती अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहा है। एजेंसी ने कहा था, हूती की मिसाइल फोर्स ने सफलतापूर्वक एक मिसाइल का परीक्षण किया है जो Mach 8 की स्पीड और ठोस ईंधन पर चलने में सक्षम है। हालांकि अमेरिका ने इस तरह की रिपोर्ट्स को गलत बताया था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने मिडिल ईस्ट को लेकर पूर्व विशेषज्ञ विलियम उशर का कहना है, इसराइल हिजबुल्ला के बीच तनाव से ईरान और रूस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहा है और ऐसे संकेत है रूस पहले से ही इस बात पर विचार कर रहा है कि वो हूती को कैसे मदद करे। और इस रिपोर्ट के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि हूती ने हाल ही में अपने जखीरे में जिन नए हथियारों को शामिल कर पश्चिमी देशों के जहाजों में खौफ बरपाया है, उनका कहीं रूस से कोई संबंध तो नहीं।